नाश्ते में मैं 5-7 विकल्प बता रहा हूँ। जैसे एक दिन आपने अंकुरित लिया, अंकुरित ले लिया और उसके साथ आपने जो है दही ले लिया। अंकुरित के साथ दूध नहीं लेते हैं घर, अंकुरित ही ले लिया पर्याप्त है। किसी दिन आपने लौकी का जूस ही पी लिया पर्याप्त है। कुछ मैं तो जैसे सुबह सुबह लौकी का जूस और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने पिया ये गिलोय का काढ़ा और उसके 5-7 मिनट 10 मिनट बाद जो है लौकी का जूस पी लिया बस। या कभी कभी जल्दी है तो लौकी का जूस पहले गिलोय का काढ़ा पिया और उसके 2-5 मिनट बाद ही लौकी का जूस पी लिया, बस हो गया नाश्ता। अब आप अलग अलग चीज़ों का नाश्ता करना चाहते हैं तो एक दिन आपने जो है अंकुरित लिया, एक दिन आप जौ का दलिया लीजिए। जौ का दलिया आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। बार्ले उसको जो है अंग्रेजी में बोलते हैं या वह संस्कृत में बोलते हैं। सबसे पवित्र अन्न माना जाता, सबसे सात्विक और शरीर के लिए सेहतमंद माना जाता है जौ को। तो एक दिन जौ का दलिया लिया, किसी दिन गेहूँ का दलिया ले लिया। वैसे सबसे अच्छा है मल्टीग्रेन दलिया, तो मल्टीग्रेन दलिया ले ले। जो है पतंजलि का पुष्टार दलिया आता है, उसमें गेहूँ बाजरा मूंग चावल, और इसका आप सेवन कर सकते हैं। फिर एक दिन आपने पोहा ले लिया, एक दिन कोई इडली खाता है तो एक दिन इडली खा लिया आपने। किसी को पराठे खाने का शौक है तो एक दिन पराठे भी खा लीजिए, लेकिन 7 के 7 दिन मत खाइए आप। फिर चेंज के लिए आपने किसी दिन केवल फ्रूट खा लिया। वैसे मैंने देखा कुछ लोग केवल नाश्ते में फ्रूट्स ही लेते हैं, अंकुरित ही लेते हैं, पकावा नहीं खाते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चेंज करके लीजिए। किसी दिन नाश्ते में आपने खाली जो है दही ले लिया, दही किसी को अकेला अनुकूल नहीं पड़ता तो उसमें हनी डाल लिया, सबसे अच्छा होता है हनी या मधुरम डाल करके ले लिया, पर्याप्त है। नाश्ता बहुत भारी नहीं करना चाहिए। तो नाश्ते में ऐसे अलग अलग चीज़ें, किसी दिन आपने जो है ओट्स ले लिए। ओट्स क्या है, जो का ही एक दूसरा जई होती है उससे ओट्स बनाते हैं, तो ओट्स ले लिया। अलग अलग प्रकार के दलिए मैंने आपको बताए, पोहा बताया, इडली आदि, या जो है एक दिन आप पराठा भी ले सकते हो, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, पराठा एक ही खाइए ना। अब किसी को मेथी का पराठा, किसी को जो है आलू का पराठा, किसी को आलू प्याज का पराठा, किसी को अलग अलग तरह के पराठे पसंद हैं तो वो 2-3 पराठे खा लेते हैं, ये गड़बड़ होता है, ऐसा ना करें।